नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में हर साल करीब 150 करोड़ यूज हुए टायर फेंके जाते हैं और अगर इस आंकड़े का ब्रेक डाउन किया जाए तो हर एक मिनट में 2850 टायर फेंक दिए जाते हैं। ये आंकड़ा कितना बड़ा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और टायरों का रीयूज करना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टायरों से जो गैसें निकलती हैं वो बहुत ही खतरनाक और हानिकारक होती हैं। तो फिर इन सभी यूज हुए टायरों का क्या किया जाता है? आपने देखा होगा, या तो इन्हें सड़क किनारे फेंक दिया जाता है या फिर किसी छोटे मोटे काम में यूज कर लिया जाता है, पर इनका रीयूज लगभग मुश्किल काम है। तो कई सारे टायर तो इस कब्रिस्तान में लाए जाते हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा टायरों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये जगह कुवैत देश में स्थित है। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी टायरों के कब्रिस्तान के बारे में बात करते हैं। कुवैत एक अमीर देश है जो अपने तेल और नेचुरल गैस के भंडार के लिए जाना जाता है। तो फिर कुवैत इन टायरों का स्टोर क्यों किए जा रहा है? कुवैत पिछले 20 सालों से दुनिया के कई सारे इलाकों से इन टायरों को इकट्ठे कर रहा है। तो कुवैत इतने सारे टायरों का क्या करना चाहता है, वो इनका यूज किस लिए करेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। एक गाड़ी में टायर एवरेज 30,000 या 40,000 किलोमीटर चल जाता है। इसके बाद ये टायर किसी काम का नहीं रहता, इन्हें फेंक दिया जाता है। दूसरे आइटम को तो फिर भी रीयूज किया जा सकता है, लेकिन टायर रबर और सल्फर को मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण है कि टायर को रीयूज करने से खतरनाक गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण और मनुष्य सभी के लिए हानिकारक है। इसलिए टायरों को रीयूज करने की प्रोसेस कई देशों में तो इलीगल है। इसीलिए कई देश इन खराब टायरों से मुक्ति पाने के लिए इन्हें कुवैत भेज देते हैं। कुवैत में इन्हें अल जाहरा शहर से दूर एक छोटे शहर सुलेबिया में एक टायरों का स्टोर बनाया गया है। उसमें इन टायरों को डाल दिया जाता है। ये जगह 1000 मीटर स्क्वायर में फैली हुई है। इसे टायरों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसमें कई अलग अलग गड्ढे खोदे गए हैं जिनमें इन टायरों को रखा जा रहा है। एक गड्ढे की गहराई लगभग 50 फीट होगी। ऐसे कई सारे गड्ढे इस जगह में खोदे गए हैं जिनमें इन टायरों को स्टोर किया जाता है। और इन यूज हुए टायरों को कुवैत 1000 किलो टायर के वजन को मात्र 1 दिनार में खरीदता है, यानी कि इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए तो मात्र 268 रुपए में 1000 किलो टायर। खरीदने का सिलसिला चलता रहा और देखते ही देखते यहाँ पर करीब 7 करोड़ टायर जमा हो गए। लेकिन कुवैत सिर्फ खरीदते ही जा रहा था, उसके पीछे इनका क्या करना है इसका कुछ नहीं सोच रहा था। लेकिन एक दिन इसमें अचानक भारी गर्मी की वजह से एक गड्ढे में आग लग गई। ये सिलसिला 2012 से 2020 तक चला। कई गड्ढों में कई बार आग लगी। यही कारण था कि इन टायरों को अलग अलग गड्ढे में स्टोर किया जाने लगा, लेकिन आग तो फिर भी लग जाती थी। ऐसा सिलसिला चलने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कुवैत पर प्रेशर डालना शुरू किया, क्योंकि इस आग से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण और सभी को नुकसान होता था। आखिरकार 2021 में इन सभी टायरों को ठिकाने लगाने का समय आया और फिर दुनिया के अलग अलग शहरों में इन्हें वापिस रिसाइकिल के लिए भेजा जाने लगा। एक नॉर्मल टायर में 3 चीजें होती है, रबर, कार्बन, स्टील वायर। पाइरोलिसिस प्लांट की मदद से इन टायरों को पहले मेल्ट किया जाता है, फिर रबर गैस बन जाता है जिसे ठंडा कर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। फिर पीछे बचता है कार्बन और स्टील वायर। इसमें कार्बन को हटाकर स्टील वायर को ठंडा करके वापिस रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा भी टायर को रीयूज करने के लिए आज कई सारे तरीके आ गए हैं। जैसे एक तो है श्रेडिंग, जिसमें टायर को श्रेड करके पाउडर के रूप में लाया जाता है और फिर इसकी मदद से कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले रबर टायर बनाए जाते हैं। और करीब 20 सालों से इस तरह दिखने वाला सुलेबिया का कब्रिस्तान 2022 तक खाली कर कुछ इस तरह दिखने लगा। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ कुवैत के कब्रिस्तान की बात है। ऐसे छोटे मोटे कई देशों में टायरों का डंप किया गया है जिनकी संख्या करीब 4 अरब के आसपास है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये सुलेबिया का टायरों का कब्रिस्तान वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।